अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम दो अहम जो न्यूज़ आई है हमारे पास किनाल पटवारी के हवाले से, किनाल पटवारी जॉब के हवाले से, वो डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सबसे पहली ये खबर है कि आपका जो फाइनल मेरिट है, जिन बच्चों का इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनके वो बिलतरतीब कब से आना शुरू हो जाएंगे। और नंबर टू पर बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर, जो कोटे की सीटें हैं, जो इम्प्लॉयमेंट कोटे की सीटें हैं, क्या वो सीटें मिल जाएंगी ओपन मेरिट वालों को या फिर वो खाली चली जाएंगी? क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा वालों को दी गई हैं, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर कि बहुत से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए और ओपन मेरिट के अलावा जो कोटा की सीट्स हैं उनके अगेंस्ट सिर्फ एक या दो, अगर फ़र्ज़ करें 10 सीटें हैं, तो बाद अजला के अंदर तो एक बच्चा भी नहीं क्वालिफाई कर पाया फॉर इंटरव्यू के लिए, और कहीं पर इक्का दुक्का बच्चे क्वालिफाई किया है उन्होंने। तो क्या वो सीटें खाली जाएंगी, क्या वो ओपन मेरिट वालों को मिल जाएंगी, या फिर आपका रिजल्ट कब आएगा, वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके, जिसके अंदर जॉब्स के हवाले से है, किनाल पटवारी के हवाले से है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह फर्दर मैं लेके आऊँगा, जिसमें तैयारी करवाने के वाले से जियोग्राफी है, इंग्लिश है, मैथ है, जनरल सेंसिबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ जाते हैं जी, आपका फाइनल रिजल्ट कब से आना शुरू हो जाएगा? तो वो जी नेक्स्ट मंथ जो सितंबर है, अभी न्यूज़ के मुताबिक जो न्यूज़ मुझे आज मिली है उसके मुताबिक सितंबर के अंदर इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे बिलतरतीब, जिन बच्चों के जिन अज़ला के जो हैं इंटरव्यूज़ वो पहले हुए हैं उनके पहले आना शुरू हो जाएंगे और जिनके बाद में उस तरह तरतीब से आना शुरू हो जाएंगे। और नंबर दो पर जो दूसरी सबसे बड़ी खबर वो ये है कि क्या जो कोटा की सीट्स हैं, जिनके अंदर स्पेशली जो एम्प्लॉय कोटा की सीट्स हैं, क्या वो खाली चली जाएंगी या फिर वो सीट्स मिल जाएंगी ओपन मेरिट वालों को? तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी न्यूज़ आज मिली है वो ये है कि जो पीपीएससी का पहला रिज़ल्ट बन रहा है उसके अंदर जो खाली सीटें गई हैं कोटा के अगेंस्ट, वो मिल जाएंगी ओपन मेरिट वालों को, स्पेशली एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा वाली। तो वो ओपन मेरिट को कंसिडर किया जा रहा है और उनके लिए वो मुख्तस की जा रही हैं कि वो सीटें खाली ना जाएँ, क्योंकि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी थी एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा वालों को, लेकिन वो लोग अब क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो लोग कंपिटेंसी पे नहीं आ पाए, वो टाइपिंग टेस्ट नहीं पास कर पाए, वो रिटन टेस्ट पास नहीं कर पाए, तो अब वो सीटें जो होंगी वो खाली ना जाएं, वो मिल जाएंगी ओपन मेरिट वालों को। वो मिलेंगी क्यों? क्योंकि अभी आप अपने अज़ला में जा कर देखें तो आपके अज़ला में जो नहरी पटवारी हैं उनकी बेइंतहा कमी है। फ़र्ज़ करें जहाँ पर 20-20 पटवारी की जरूरत थी वहाँ पर सिर्फ इक्का दुक्का पटवारी काम कर रहे हैं, तो जो सारा बर्डन है वो सिर्फ एक दो के ऊपर ही है, और इसी वजह से वो अभी ये रिक्रूटमेंट आई है। पहले माली पटवारी की आई थी, हर ज़िला में 40-40-50-50 सीटें आई थी, और अभी उसी तरह से हर ज़िला में नहरी पटवारी की सीटें आई हैं, कनाल पटवारी की सीटें आई हैं, तकरीबन 40-50-60-80 जो भी ज़िले के मुताबिक, आबादी के मुताबिक और उनकी ज़रूरत के मुताबिक सीटें जो आई हैं, जिस पर आपने अप्लाई किया, रिटन टेस्ट पास किया, आपने टाइपिंग टेस्ट पास किया और अब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने इंटरव्यू दे दिया है। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो, जिसके हमने देखा कि दो चीज़ें हमने मेन देखी, एक तो हमारे पास था कि क्या वो ओपन मेरिट वालों को मिल जाएंगी, तो जी हाँ इस बात पे गौर हो रहा है, और जब तक हमारे पास पहला फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो हमारे पास यही न्यूज़ है कि वो कंसीडर कर रहे हैं, और इस तरह की न्यूज़ आई है तो इसलिए मैंने आज आपको बताई है, क्योंकि पहले मेरे पास इस तरह की न्यूज़ नहीं आई थी तो मैंने आप लोगों को नहीं बताई, क्योंकि मेरे चैनल पर ऑथेंटिक चीज़ बताई जाती है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी और वेरिफिकेशन हो जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो लेट की थी। तो आज बताने का मकसद ये है कि कंसीडर हो रहा है और ये मोस्ट प्रोबेबली 99.9% है कि वो कोटा वाली जो सीट हैं जो स्पेशली एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा की हैं वो मिल जाएंगी ओपन मेरिट वालों को। और दूसरे नंबर पर जो सितंबर के अंदर आपका रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये थी मेरी पास आज की वीडियो, दो में याद रखिएगा, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।